एकी बदीदा पर तू भी ऐसे दूजे ले जो को देखाई उस अपनी ही कब्र बनाई समझे जो अपनी पीर पर आई चरण च रब ने खामोश पाई अंदर कुछ ते बाहर कुछ अज बंदे दी पहचान लोभ राते सिमरन ने तुहानू ते मैनू इकट्ठे वेख लिता है सिमरन ने तू बच्ची है मेरी छड्डो ताई जी अपनी कहो ऐ सब कदों तो तू की कह रही है पुत्र मैनू ते कुछ समझ नहीं आ रहा की वादे होंदे तेरे पाजी इत्थे ओ कुछ नहीं रेशम मैं ना एक्चुअली नु वादा कीता सीगा कि आज कॉलेज नु मैं ड्रॉप करांगा हो आई सी ताहन मैडम सिमरन उसे कॉलेज साइकिल छड़ के कहां ते जाया करोगे बॉबी ते ना शराब पी के आया सी की क्या विक्की बॉबी ना शराब पी के आया सी पर वे तेनु किवें पता और यही मैं उनु कल आप कार चो बाहर कढ़िया सी ते जाके बेडरूम च पाया सीगा पर वे तू उनु राती उस वेले चंड क्यों नहीं मारी जी ये मजा कि मेरे बच्चियां दी बराबरी करे घर आके ओदी खबर लेना खबर लेन दी की लोड़ है तुसी वेद नु कार छोड़न वास्ते ते कहना ही है ते फिर विक्की ते सिमरन ते आप पे चले जाएंगे ना रहेगा पास ते ना बचेगी बांसुरी दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय नाइल हेयर शैम्पू कुड़ी रियाज विच पयो सिंगर साहब जिवे तेरे प्यो दराज हुए हरबंस ने तने वेद के खिलाफ भड़का दिता है हूं नंबर 13 है बलजीत ओ बलजीत बलजीत ओ परजाई ओ सारा सुर बिगाड़ तई मैं चंगा भला सीरियस सीरियस रियाज कर रहा सब पर तू अरे मैं परजाई नहीं हां मासी हां इधर देख मासी नहीं हो सकता मैं जरूर सवेरे सवेरे कोई सपना देखता मासी नहीं हो सकती मासी वो आज सवेरे सवेरे चंद कितों निकल आया है मैं तेरे लिए चा लेके आई मासी तू मेरे वास्ते चा ले आई ओए ओए अपने इस बलजीते वास्ते चा ले आई है ले फड़ फड़ लवा हां की गल है तू चा क्यों ले आई है मासी गल दस परजाई दी तबीयत ते ठीक है ना हां दीदी ठीक ने पर दीदी ने किचन विच कुछ कम सी ते मैं क्या आज मैं बलजीत ले चले जानी हां मासी तू कितनी चंगी है ओ मेनू आज पता लगा तू वाकई चंगी है चंगा ते तू भी है पर तू कम चंगे नहीं करदा ओ परजाई मेनू गल दस ओ मैं केड़ा पैड़ा काम किता है ओ मैं कोई केड़ा तेरी कोई मज खोल आया हूं ओए तू ते सारा टाइम गाले च लगा रहंदा है तन्नू की पता गाले च की हो रहा है ओ पर जाई गाल सुन ओए सॉरी मासी गाल सुन ए जेडी मिट्टी मिट्टी चाह ने एनु कोड़ा ना कर ओ एनु करेले दा जूस ना बना छेती दस होया की है तेरे बड़े पाजी तेरे पाजी मेरे जीजा जी ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ
ते कदे धुप ते कदे छां वरगा आंदा जांदा रहंदा है। इस वारी उना दा गुस्सा धुप ते छां वरगा नहीं तूफान वरगा नहीं। क्यों ओए की केड़ा कोई बदल फट गया है? गल ते मैनू भी नहीं पता पर वो कह रहे सी कि उना दे बच्चे बड़े बदतमीज ने ते ओ अपने बच्चियां नु लै के इस घरों ते चले जान। ना मासी ना वो ऐ सब नहीं हो सकता ओ साडे वड्डे भरा जी ओ सानू गुस्सा कर सकते ने कुट सकते ने मार सकते ने पर करो करो नहीं कर सकते नाले विक्की ते सिमरन ओ उना नाल की हो ते कदी किसी नाल भी बदतमीजी नहीं कर सकते। चीजा जी ते कोई दिमाग ते खराब है जे अपने भरा नु घरों ते कढ देन। सुनिए जीजा जी ते जन्मदिन वाले दिन वेद भरा जी बैंक मैनेजर तो नहीं वकील तो मिलन गए से जायदाद अपने नाम लिखवाने लगे। हो सकता है बच्चिया ने जीजा जी ने कुछ उच्च नीच कह दी होगी। पर पाजी ने दसिया नहीं वे विक्की ते सिमरन ने बदतमीजी की कीती है। नहीं वो कुछ नहीं दस रहे लगता है उन्होंने दिल में बड़ी गहरी सट बची है। मैं पूछूंगा भरा जी मैं वड्डे भरा जी नूं जरूर ये गल ना 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 ये गलती ना करी। वो कह रही सी जिन्ने भी वेद नाल कोई भी ताल्लुक रखिया वो उन्हें घरों कर देंगे। मैं तो तेनू यही सलाह देवांगी तू वेद नाल ना बोली ते ना ही वड्डे भरा जी नूं कुछ पूछी। हुण मैं चली आ। मेरे सच्चे पाशा मेरे वाहिगुरु मेरे वेद भरा जी नूं इस मुसीबत तो बचा ले। मैं तेरे दुआरे आवांगा मैं जरूर आवा गुरुद्वारे उन्होंने मत्था टिकाण वास्ते। चाचू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। की गल है इन्नी उदास जी गुड मॉर्निंग बड़े सैड होके? हाँ बेटा जे घर हर चीज बैड होए ना तो मूड तो आप ही सैड हो जाना होया। बैड चाचू देर इज नथिंग बैड इन अवर हाउस साढ़े घर में तो कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। हाँ इसका मतलब है जो कुछ भी वेद बाजी नाल होया उसके बारे तेन कुछ नहीं पता? अच्छा ते ऐ गल मेरा प्यारा प्यारा चाचू इस गल करके सैड दिख रहे हैं। तो चाचू टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कोई इन्नी वड्डी गलती नहीं है जिस पिछे तुसी अपना मूड सैड करो। हाँ और वैसे भी जे डैड नू कोई गल गलत लगेगी तो डैड ते एक्शन लैन गई ना। हाँ रेशम जे तेनू पता है भी सिमरन या विक्की ने प्राजी के खिलाफ कोई भी बदतमीजी की थी, मैनू दस मैं आप दोनों के कान फाड़ के प्राजी अगे लै जावगा दोनों के नक् रगड़वा। देखो चाचू इस बारे तो मैं कुछ नहीं पता पर इस वेले एक गल मैं बड़ी पक्की तरह पता है वो है वे कि डैड का गुस्सा इस वेले वे चाचू लई सतवें आसमान से पहुंचे है। इन्हों गलों बारे अगर डैड न कुछ भी गल कही जाए या असी जरा जहा भी रिएक्ट करिए ना तो रिएक्ट करना चंगा नहीं होएगा डैड का गुस्सा होर बढ़ सकता है। इस करके खुश रहिए हंसते रहिए ते कीप स्माइलिंग चाचू। ओके कॉलेज जा रही हूं देर हो रही है जावा जा बच्चे बाय बाय बेटा। समझ नहीं आता की करा परछाई तू मिलना नहीं पहले नहा के वेद प्राची नु मिलना ते उन्होंने अपने नाल गुरुद्वारे लेके चलांगा यो ठीक रहेगा।